गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो के साथ, जिसमें दिल्ली पुलिस ने आज पूछताछ के लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को तलब किया है। रेवंत रेड्डी जांच में शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस कायम है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तेलंगाना के सीएम और बाकी चार नेताओं के वकील की तरफ से मेल के जरिए वक्त मांगा गया है। आज आ पाने में असमर्थता जताई गई, कुछ दिन की मोहलत मांगी गई। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि मुख्यमंत्री भी है, उनके समेत कुल 5 लोगों को तेलंगाना में नोटिस दिया था। नोटिस में 1 मई सुबह 10:30 बजे आने के लिए कहा गया था, लेकिन उससे ही पहले वकील के द्वारा कुछ दिन की मोहलत मांगी गई है। आईएफएसओ यूनिट ने कुल 16 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसमें रेवंत रेड्डी का नाम प्रमुख तौर पर शामिल है। तो आज रेवंत रेड्डी पेश होंगे या नहीं, यहां दिल्ली पहुंचेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली पुलिस से वक्त मांगा है, उनके वकील द्वारा ये जानकारी भेज दी गई है। इस पूरे डीप फेक वीडियो मामले में रेवंत रेड्डी समेत कुल 16 लोगों को नोटिस थमाया गया है। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को आज तलब किया है। अब्दुल बशीर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, इस पूरे मामले में नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन रेवंत रेड्डी की तरफ से और उनके वकील द्वारा क्या कुछ कम्युनिकेट किया गया है दिल्ली पुलिस को? Well, अभी तक रेवंत रेड्डी ने कोई कम्युनिकेशन दिल्ली पुलिस से नहीं किया है, लेकिन उनकी लीगल टीम जो रामचंद्र रेड्डी है, लीगल टीम को हेड करेंगे एडवोकेट रामचंद्र रेड्डी, ये दिल्ली पुलिस से आज मुलाकात करेंगे इस विषय में, और उनसे ये बताया जा रहा है कि टाइम, आगे का टाइम मांगेंगे जहां पर वो लोग अपने आप को अपियर कर सके। अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इलेक्शन चुनाव चल रहा है, चुनावी कैंपेन में रेवंत रेड्डी का स्केड्यूल ऑलरेडी फिक्स्ड है, जिसके चलते वो इस बार इस हियरिंग इस अपियरेंस के लिए नहीं जा पाएंगे दिल्ली पुलिस के आगे। और इस वक्त रामचंद्र रेड्डी जो है इनके एडवोकेट, वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे पूरी लीगल टीम के साथ। रेवंत रेड्डी जो टीपीसीसी चीफ है, इस केस में जो सोशल मीडिया हैंडल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इस्तेमाल किया गया था, इसके चलते 5 लोगों को नोटिस दी गई थी। रेवंत रेड्डी के अलावा और 4 लोग हैं जिनको ये नोटिस दी गई है। और हालांकि चूंकि रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश का कमेटी के अध्यक्ष है, तो उनको भी ये नोटिस जारी की गई ईमेल के जरिए। तो बताया ये जा रहा है रेवंत रेड्डी की टीम की तरफ से कि एक लीगल टीम दिल्ली पुलिस के आगे अपियर होगी और वक्त मांगेगी कि रेवंत रेड्डी जो भी गैजेट जिस इस्तेमाल किया गया था इस पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया टीम की तरफ से, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा मामला अब दिल्ली से लेकर नागालैंड तक इसकी जांच के तार जुड़ रहे हैं, अब किस तरीके से ये जांच जो है आगे बढ़ेगी? देखिए, पुलिस जो फिलहाल इंतजार कर रही है, आज 10:30 बजे 1 मई को 10:30 बजे यही इप्सो यूनिट में दिल्ली पुलिस ने बुलाया हुआ था पूछताछ के लिए और साथ ही साथ उन गैजेट के लिए। दरअसल दिल्ली पुलिस दो चीजें जानना चाहती है। एक, सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो पहला एक्ट किया गया था वो किसकी तरफ से किया गया था, और इसके लिए पुलिस को तमाम जो डिवाइसेस है जिनके जरिए ये एक्ट किया गया था वो डिवाइसेस की जरूरत है पुलिस को। और इसीलिए जो नोटिस सर्व किए गए हैं उसमें 161 के साथ साथ 91 भी जोड़ा गया है, यानी दस्तावेज और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसकी जरूरत है वो लेके आने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ पुलिस एक्स से भी संपर्क कर रही है और एक्स को मेल भेजा गया है, और जो ये वीडियो है उसके सोर्स को, यानी वो कब और कहां से उसको पहली बार ट्वीट किया गया था, उस तरीके से भी जानने की कोशिश कर रही है। यानी दोनों तरफ से दिल्ली पुलिस आगे इसमें बढ़ रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सबसे पहले इसे किसने एक्स किया था, और वहां के बाद पुलिस आगे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो व्यक्ति पहले इसे सोशल मीडिया पे जिसने पोस्ट किया तो उसे ये वीडियो कहां से मिला, यानी सोर्स कौन था जिसने इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया, दो अलग अलग स्पीचेस को मिला करके एक स्पीच तैयार की और फिर उसको आगे उसने बढ़ाया, इसके पीछे किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी है, कौन लोग शामिल है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन चीजों की जानकारी की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान पुलिस ने जो एफआईआर की है उसमें 153 के अलावा पुलिस ने
कुछ ऐसी धाराएं भी जोड़ी हैं जिनमें सजा 7 साल से ज्यादा की है, नॉन अवेलेबल भी है। यानी पुलिस इस मामले को आगे और गंभीरता से लेगी और पुलिस का दायरा फिलहाल जिन 16 लोगों को नोटिस भेजा है इससे भी आगे बढ़ने वाला है। जी नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।